नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ मनीष वर्मा मौजूद हैं, जो कि काफी मशहूर लेखक भी हैं और साथ साथ सरकारी अधिकारी भी हैं। ऐसे में आज इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। इससे पहले भी आपने इनकी एक पुस्तक पढ़ी होगी, मनु कहें, जो कि रोज की चीजें जो होती है, रोजमर्रा में जो आप चीजें देखते हैं, महसूस करते हैं, उस पर ये किताब लिखी गई थी और लोगों को काफी जोड़ती थी। और अब एक बार फिर से ये अपनी एक किताब लेकर आए हैं, फ्लैशबैक, जिसका लॉन्च हुआ है आज और पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के बारे में पहले आपको इस पुस्तक के लिए थैंक यू, लेकिन बहुत कुछ तो आपने बता दिया पुस्तक के बारे में। अब थोड़ी सी जो बात बची हुई वो मैं बता रहा हूँ। आज की जो पुस्तक जिसकी रिलीज हुई है आज, फ्लैशबैक, तो फ्लैशबैक आपको वाकई फ्लैशबैक में ले जाती है। फ्लैशबैक की जो पहली कहानी है फ्लैशबैक, बाद में सायरन की आवाज़, बाद में अनकही, तो मेरे बचपन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेरे जब मैं पढ़ रहा था तब की चीज़ें हैं। अनकही में आप पाएंगी जब हम लोग बरांडे पे क्रिकेट खेलते थे, प्लास्टिक बॉल से खेलते थे, मैदान में पानी जमा होता था, तो हम लोग खुश नसीब थे कि कम से कम आउटडोर एक्टिविटीज़ थी। तो उसको मैंने अपने दोस्तों के साथ रिलेट किया और कहीं ना कहीं मैंने अपने दोस्तों को समर्पित किया है। फिर फ्लैशबैक में आप पाएंगे मनु की बात, कहीं ना कहीं मन की बात से मैंने प्रेरणा ली तो मैंने मनु की बात कह डाली उसमें। फिर भगवान से साक्षात्कार, भगवान मुझे मिल गए, मैं भगवान से क्या चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ लिया है। फिर उसमें एक टॉपिक है बरखा रानी जरा जम के बरसो, यूक्रेन की घटना घटी है उस पर मैंने अपनी कलम चलाई। तो मैं जहाँ भी मुझे लगता है ना कि मैं किसी की आवाज़ बन सकूँ, अनकही अनसेबल्स, तो मैं वहाँ पे अपनी कलम चलाता हूँ बहुत ही सार्थक तरीके से, कोई नकारात्मकता नहीं। लोगों को ये पुस्तक किस तरीके से रिलेट करी? लोग जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है खुद ब खुद रिलेट करते चले जाएंगे। किसने अपने बचपन को नहीं जिया है, किसने अपने युवावस्था को नहीं जिया है, ठीक है वो कलमबद्ध नहीं कर पा रहे हैं, समय अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरे काम होंगे उनके पास, मेरा पैशन हमने बना लिया, हम कर रहे हैं, लेकिन किन को अच्छा नहीं लगता अपने पुराने दिनों के साथ जोड़ के चलना, तो वो जुड़ेंगे और बढ़िया से जुड़ेंगे। थैंक यू। तो देखिए, साफ तौर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इनकी पुस्तक फ्लैशबैक का विमोचन आज हुआ है और ऐसे में कई अतिथि भी जो है इसमें शामिल हुए हैं। और खुद मनीष वर्मा बता रहे थे कि किस तरीके से पुस्तक उन्होंने लिखी है और कैसे लोग अपने आप को इस पुस्तक से कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।